त्योंदा में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। विदिशा जिले के गंजबसौदा विधानसभा क्षेत्र के त्योंदा में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत गंजबसौदा ग्यासपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार निशंक जैन ने त्योंदा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश कटारे एवं वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। विधानसभा के उम्मीदवार निशंक जैन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मुझ पर विश्वास करके एक बार फिर जनता के बीच में मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कहीं मेरे से कोई कोर कसर बाकी रह गई थी, इसलिए मैं चुनाव हार गया था। चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार 5 साल जनता जनार्दन के बीच में रहा। मैं घर नहीं बैठा, हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ खड़ा रहा, पर जो पहले गलती हुई थी वह अब ना हो। मैं पुनः आपके बीच में एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आया हूं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, हर कार्यकर्ता को हर बूथ पर लड़ना होगा, खड़ा रहना होगा, मतदाता के घर घर जाना होगा, समझाना होगा, वचन पत्र का एक एक शब्द बताना होगा। कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही हम यह जंग जीत सकते हैं। पिछली बार जो भी मेरे से गलती हुई हो, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सभी से क्षमा मांगी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश कटारे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पिछली बार जो भी मेरे से गलती हुई हो, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सभी से क्षमा मांगी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश कटारे ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि यह चुनाव निशंक नहीं, हर कार्यकर्ता लड़ रहा है। हम सबको मिलकर ही कांग्रेस उम्मीदवार को विजय बनाना है। उन्होंने कहा है कि सभी कार्यकर्ता घर छोड़कर चुनाव समर में जुट जाएं। कांग्रेस कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। मैं चाहता हूं कार्यकर्ता अपनी अपनी पोलिंग जाता कर कमलनाथ सरकार में शामिल हों। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ वरिष्ठ नेता कार्यालय उद्घाटन में शामिल रहे। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का और पूरे कांग्रेस परिवार की साथियों द्वारा जो 5 साल लगातार मेहनत की गई उसके फलस्वरूप कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। पूरे कार्यकर्ता साथियों की मदद से, क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हम सब मिलजुल कर यह सीट कमलनाथ जी के खाते में डालेंगे और मध्य प्रदेश की विधानसभा में गंजवासा की आवाज़ एक मजबूती से रहेगी, यही बात मैं कहना चाहूँगा। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।